तो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लाइफ एकेडमी। हाँ जी, आज अपना लेक्चर नंबर रहेगा 23 के 22 लेक्चर्स आप ईवीएस एमसीक्यू लगा चुके हैं, जिनके द्वारा तुम बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। आज आप करते हैं अपने लेक्चर में कंटिन्यू लेक्चर नंबर 20। हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट करने तो पहला एक मुख्य जिनीस थोड़े नाल शेयर करदा कि ऑनलाइन बैचेस जितने अपने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जेकर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव मटीरियल टॉपिक वाइज एमसीक्यू 1 ईयर की वैलिडिटी होएगी, थोड़े को टेस्ट सीरीज से मूव टेस्ट ये दोनों भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये अपना नंबर है जो मैनशन किया गया 9915835791। इस नंबर से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो अपने बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, अपना फ्री वट्सएप ग्रुप बने हुआ है जिंद डेली अपडेट्स शेयर की जाती हैं कि किस टाइम से अपनी कि क्लास लगेगी, एज वेल एज वह कॉन्टेंट भी थोड़ा शेयर किया जाता है जो अपना यूट्यूब क्लास से लग रहा है। इसलिए जेकर हजे तक ज्वाइन नहीं किया इस नंबर पे नेम पीएसएड फर्स्ट सेकंड मेल और फीमेल ये डिटेल्स है जी शेयर कर दो, फटाफट ग्रुप है जो ज्वाइन कर दो। वधदे आ फिर अज दे अपने पहले क्वेश्चन करते हैं जी स्टार्ट, बहुत ही वधिया क्वेश्चन रहने वाले है। आई होप थोनू क्लास वधिया लगेगी, जो वधिया लगे तो प्लीज लाइक सबसक्राइब चैनल नू जरूर करो, जितना ज्यादा हो सके क्लास नू शेयर करया करो ताकि थोड़े नाल होर भी बच्चे है जो अपनी क्लास में खेल सके। ठीक है जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है तुहाडे सामने, द वॉटर लैवल डैश वैन अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन अ ग्लास ऑफ वॉटर। बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, पूरा घुमा के बनाया हुआ क्वेश्चन है कि पानी का पद्धर डैश हो जाता है जो एक ग्लास विच एक चुटकी नमक घोलिया जाता है। हाँ जी, कोई भी पानी का ग्लास है उनके विच जेकर आप एक चुटकी नमक पावांगे तो उस पानी के पद्धर विच उस वॉटर लैवल दे विच की फर्क पएगा, वाटर लैवल इनक्रीज होएगा, वाटर लैवल डिक्रीज होएगा, वाटर लैवल सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम या नन ऑफ दीज, कोई भी फर्क वाटर पे नहीं पाएगा। हाँ जी, करो आंसर, थोड़ा जहा सोच विचार के इस क्वेश्चन का आंसर तुम कर सकते हो कि पानी के पद्धर च जो आप एक गिलास पानी के एक चुटकी नमक पाने तो की फर्क पै जाता पानी च, पानी च कोई फर्क नहीं पैंदा, वाटर दे विच कोई भी फर्क उत्थे नहीं पएगा क्योंकि वाटर दे विच मोलीक्यूल होंगे है। ठीक है, कुछ मोलीक्यूल होंगे है, कुछ वाटर दे विच ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट स्पेसीज होंगे है, वो नमक उत्थे जाके है जो एडजस्ट हो जाता है तो वाटर लैवल है जो इनक्रीज डिक्रीज बिल्कुल नहीं होंगे, वाटर लैवल है जो सेम रहा है, रिमेन्स अ सेम, द ऑप्शन थर्ड है जी अपने इतने राइट आंसर। सैकेंड क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया गेट वॉज बिल्ड। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी इंडिया गेट, इंडिया गेट बारे पूछा गया है कि किड़े साल बनाया गया से जो कि दिल्ली प्रेजेंट है, 1931, 1879, 1957 या 1947। एक गेटवे ऑफ इंडिया है, एक इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया जो अपना महाराष्ट्र प्रेजेंट है, महाराष्ट्र च सिचुएटेड है ये गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली च अपना इंडिया गेट कुछ है कि इंडिया गेट केड़े ईयर विच बिल्ड किया गया सी, कदों बनाया गया सी, केड़े साल विच, 1931, 1879, 1957 या 1947। बहुत ही वधिया क्वेश्चन है गाइज, जिन्हें बच्चे भी लाइव हैगे ने क्वेश्चन का आंसर करो, तो अपना ऑप्शन ए है जो इतने राइट आंसर है जी, 1931 दे विच इंडिया गेट है जो बनया। थर्ड क्वेश्चन, वट इज द रिवर विद हाई बी ओ डी वैल्यू इज नोन एज। हाँ जी, उच्च बी ओ डी मुल वाली नदी नूं की कहा जाएगा। सब तो पहला तो बी ओ डी की होंगे, वट इज बी ओ डी, तो बी ओ डी होंगे जी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस तरह की डिमांड होती है, कोई भी रिवर दे विच बी ओ डी 5 डेज चेक किया जाता है, 5 डे ये प्रोसैस चलती है बी ओ डी की, जिंदे विच जिन्ना ज़्यादा बी ओ डी होंगे उन्नी ज़्यादा ही वो रिवर है जी पोल्यूटेड होंगी है, तो जिन्ना घट बी ओ डी होएगा उन्नी ही जी रिवर वह साफ होएगी फ्रैश होएगी, बी ओ डी हाई होएगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होएगा, जेकर बी ओ डी घट होएगा पोल्यूशन घट होगा।
ठीक है जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इतने क्वेश्चन तुहाडे कोल है कि व्हाट इज द रिवर विद हाई बीओडी, ज्यादा बीओडी वाली नदी नु की कहा जाएगा। ऑप्शंस ने हाईली प्रोडक्टिव, हाईली क्लीन, हाईली पॉल्यूटेड या हाईली प्योर। हाँ जी, मैं दोनों आंसर पहले ही दस चुकी हूँ कि ज्यादा बीओडी होएगी तो ज्यादा पोल्यूशन होएगा, यानी कि हाईली पोल्यूटेड होएगी वो रिवर जेकर उनके विच बीओडी मात्रा ज्यादा। हुण जिहड़ा अपना फ्रैश वॉटर हुंदा है ना, जिहड़ा पानी आप पीने उनके विच 0% की जिहड़ी बीओडी होनी चाहिए है, 0.0 बीओडी होनी चाहिए है जिहड़ा पानी आप पीने इनटेक करते हैं जिस पानी का। फोर्थ क्वेश्चन, वॉटर इज रे वॉट इज रेन वॉटर हारवेस्टिंग। हाँ जी, रेन वॉटर हारवेस्टिंग की है? रेन वॉटर हारवेस्टिंग जी टर्म है एक की डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर, ऑप्शन बी कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वॉटर, सी ऑप्शन कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वॉटर एंड नन ऑफ दी। तो पहला सीधा पानी की वंड, दूजा वॉटर कलैक्ट करना तो फिर उसमें स्टोर करना कि वॉटर यूज्ड वॉटर, तीसरा ऑप्शन कलैक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वॉटर जो वर्खा वाला पानी है, मीह वाला पानी है उसमें कलैक्ट स्टोर करना। तो ऑप्शन सी है जो अपने को बिल्कुल सही है जी, रेन वॉटर कलैक्ट करना तो उसको स्टोर करना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जर्मीसाइड्स यूज फॉर ड्रिंकिंग वॉटर आर। हाँ जी, जर्मीसाइड्स की होंगे जो जर्म्स जिमें एंटीसाइड्स होंगे है ना इन। हाँ जी, फर्टिलाइजर्स होंगे जिमें अलग अलग तरह साइड्स यूज किए जाते हैं। जर्मीसाइड्स की होंगे जो जर्म्स होंगे उन्होंने खत्म करते हैं। जर्मीसाइड्स यूज फॉर ड्रिंकिंग वॉटर आर, ड्रिंकिंग वॉटर पानी ले, पीन वाले पानी ले, जिसनों की कहा जाता है पोर्टेबल वॉटर। हुण इस तों तुहाडा एक क्वेश्चन होर क्लीयर हुंदा, पेपर च क्वेश्चन बनता है पीण वाले पानी नूं की कहा जाता है, ड्रिंकिंग वॉटर नूं की कहा जाता है, ड्रिंकिंग वॉटर नूं कहा जाता है पोर्टेबल वॉटर। हुण पोर्टेबल वॉटर बनाने लई जर्मीसाइड्स यूज किया जाता है, वह कहड़ा है? पोटाशियम परमैंगनेट एंड क्लोराइड क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन या पोटाशियम सल्फेट एंड क्लोरीन। हाँ जी, ऑप्शन साढ़े सामने है, जर्मीसाइड्स यूज फॉर ड्रिंकिंग वॉटर आर, ड्रिंकिंग वॉटर यानी कि पोर्टेबल वॉटर वास्ते जो जर्मीसाइड्स यूज किए जाते हैं वो कहे है? ऑप्शन ए है जो अपना बिल्कुल सही है, इतने पोटाशियम पर मैगनेट एंड क्लोराइड, पानी को साफ करने लिए है जो यूज किया जाने वाला पदार्थ है। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फास्टेस्ट मीनस ऑफ ट्रांसपोरेशन। इन्हों विचों किसनों आवाजाई का सब तो तेज साधन मनिया जाता है? हाँ जी, सब तो तेज साधन आवाजाई का किड़ा है? एयरवेज, हाईवेज, वाटरवेज या रेलवेज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एयरवेज अपना इतने राइट आंसर होगा क्योंकि सब तो फास्टेस्ट है, राइट, सब तो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जी जिंदगी तो हो सकती है वो एयरवेज होंगे। सैवन क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन द स्टेशन ऑफ। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पहली ट्रेन सर्विस पूछती है कि इंडिया के विच किहड़े स्टेशन के बिटवीन हुई सी। भारत विच पहली रेल सेवा डैश स्टेशन के विचकार शुरू हुई। तो ऑप्शनस है बॉम्बे बोरी बंडर स्टेशन एंड थाना थाने थाने एंड मद्रास, केरल एंड बिहार, न्यू दिल्ली एंड थाने। की होएगा जी राइट आंसर? अपनी भारत के विच पहली रेल सेवावां किहड़े दो स्टेशन के विचकार शुरू की गई सी। फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन स्टेशन ऑफ, ऑप्शन ए है जरा अपना तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा जी, बॉम्बे बोरी बंडर स्टेशन ते थाने दे स्टेशन दे विचकार है जी अपनी पहली रेल सेवा शुरू हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग नैचुरल कलाइमिटीज, नैचुरल कैलामिटीज सॉरी, ठीक है, कुदरती आफतों दौरान इमारत की सुरक्षा लिए हेठ लिखा विचों केड़ा वरत्या जाता है? क्ले स्टोन्स, आर सी सी, आयरन रोड्स। हाँ जी, नैचुरल कैलामिटीज जिहड़ियां हुंदियां ने कुदरती आफतां, उस दौरान इमारत नूं सुरक्षा प्रदान करन लई किहड़ा इन्हां विचों वरत्या जाएगा? देखो, क्ले की हुंदी है, चिकनी मिट्टी जिहड़ी हुंदी है, स्टोन्स अपने पत्थर, आर सी सी उस तों बाद आयरन रोड्स, मतलब लोहे दीआं रोड्स। आर सी सी इत्थे अपना बिल्कुल सही आंसर होएगा जी, आर सी सी यूज किया जाता है नैचुरल कैलामिटीज तों अपनी इमारतां नूं बिल्डिंग्स नूं एक मजबूती प्रदान करन लई। 9th question, select the
on which is different from the other. अच्छा, one which is different from the others. एक चुनो, चुनो जो दूजा तो वक्रा है. तीन ऑप्शन सानू दिते हैं, इन्हों विचों एक जिहड़ा odd one out type question है, इन्हों विचों जिहड़ा अलग दिख रहा है, अलग सेंस दे रहा है, उसनू चुनना है. लेक, माउंटेन, पोंड या स्प्रिंग. हाँ जी, लेक यानी कि जिहड़ियां अपनियां रिवर नदियां होंदियां है, माउंटेन्स अपने पहाड़, पोंड की हुंदा है तालाब, स्प्रिंग हुंदा है बसंत. हाँ जी, इन्हां विचों अलग किहड़ा दिख रहा है तुहानूं? लेक हुंदी है नदियां, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, पोंड्स यानी कि तालाब. हाँ जी, किहड़ा एक डिफरेंट है चार ऑप्शन दे विचों? तीन होणगे इक्को वर्गे कैरेक्टरिस्टिक ते एक होएगा अलग. देखो, लेक यानी कि पानी नाल रिलेटेड, माउंटेन्स पॉन्ड्स यानी कि पानी नाल रिलेटेड, ते स्प्रिंग भी पानी नाल, बसंत रुत की मीह दी रुत, ते माउंटेन है जिहड़ा अपना इत्थे राइट आंसर होएगा जी. पहाड़ है जिहड़ा पानी नाल रिलेटेड नहीं है, बाकी तिन्ने ही रिलेटेड टू वाटर है. राइट, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर कवर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस. हाँ जी, पानी धरती दी सतह दे किन्ने प्रतिशत नू कवर करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धरती दी सतह ते पानी किन्ने प्रतिशत है जिहड़ा कवर करेगा? इत्थे हुण तुहानू रेशियो च आंसर पूछ लिया, तां दस्सो अदरवाइज 71% हुंदा है अपना वाटर, ते 29% हुंदा अपना टेरेस्ट्रियल एरिया, जिहड़ी भूमि हुंदी है. ठीक है, तां इहनां विचों आंसर दस्सो, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन सिक्स या थर्ड फोर्थ. ऑप्शन डी अपने इत्थे बिल्कुल सही होएगा जी. अपनी धरती ते थर्ड फोर्थ हिस्सा जिहड़ा हैगा उह पानी दा हैगा, इसलिए धरती नूं की कहा जांदा है? ब्लू प्लैनेट. आपां सोलर सिस्टम दे विच इह टॉपिक कर चुके हां कि अर्थ नूं की कहा जांदा है? ब्लू प्लैनेट कहा जांदा है. क्यों कहा जांदा है? क्योंकि अपनी धरती ते सब तों ज्यादा मात्रा दे विच पानी उह पाया जांदा है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, पानी दा सब तों शुद्ध रूप केड़ा है? सी वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर या ऑल ऑफ द अबव. देखो, सी वाटर तो नहीं हो सकता क्योंकि इन बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई, जैसे ऑलमोस्ट जिन्ना भी कचरा वगैरह आता है, जिन्ना भी डस्ट हो रहा है अजकल, सारा सी वाटर दे जा रहा है. रिवर भी आप एक परफेक्ट आंसर नहीं कह सकते. आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी, रेन वाटर जरा एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है वो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इवियस क्लास द टीचर इज कन्वर्जिंग विद स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर समर वेकेशन ट्रिप बिकॉज. एक ईवीएस क्लास विच अध्यापक विद्यार्थियों नाल उन्हां दीयां गर्मियां दीयां छुट्टियां दे दौरिया बारे गलबात कर रहा है. तो स्टूडेंट्स ने वो गर्मी दी छुट्टियां उन्हां नूं मिलियां सी, तां उन्हां ने छुट्टी किवें बताईयां उस बारे अध्यापक जिहड़ा ईवीएस दी क्लास विच विद्यार्थियों नाल गल्लां कर रहा है. क्यों कर रहा है वो इस तरह की गल? द इनफॉर्मेशन गिवन बाय द स्टूडेंट, सॉरी, द इनफॉर्मेशन गिवन बाय द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द सिलेबस. नहीं, आप सिलेबस कंप्लीट करने जोर नहीं देंगे. इनक्वायरिंग माइंड किड्स आर एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग. नेक्स्ट देख दिया, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आर द बेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन. बिल्कुल सही है जो ऑप्शन सी अपना इतने, ही वॉन्ट्स टू पास हिज टाइम, बिल्कुल गलत है. ऑप्शन सी आपने बिल्कुल इतने करेक्ट है. स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिस आर द बेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन. ज्ञान की संरचना लई विद्यार्थियों के जोड़े एक्सपीरियंस होंगे है, अनुभव होंगे है, वो आधार होंगे है नॉलेज कंस्ट्रक्शन के. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फारनहाइट स्केल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. की पॉइंट इतने चकना है आप फारनहाइट स्केल. ठीक है, दो स्केल्स आप पढ़े हुए हैं, एक डिग्री सैलसीयस एक फारनहाइट. राइट, तो इन्होंने की पूछे कि बॉयलिंग पॉइंट पूछे वाटर का फारनहाइट का, अपने तो ज़्यादातर आंसर देंगे 100 होंगे डिग्री सैलसीयस. डिग्री सैलसीयस दे विच अगर आप गल करिए बॉयलिंग पॉइंट दी तां 100 होएगा, बट इत्थे पुछया फारनहाइट स्केल दा. फारनहाइट स्केल च इहनां च किहड़ा आंसर है? 180, 212 यानी कि 212 या फिर 32, दसो जी. अपना आंसर आएगा जी ऑप्शन सी, 212 है जिहड़ा, 212 डिग्री फारनहाइट है जिहड़ा फारनहाइट स्केल ते बॉयलिंग पॉइंट हुंदा है. ते जिहड़ा इह बॉयलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट की हुंदा जी? फ्रीजिंग पॉइंट अगर जेकर आपां पुछिए सेल्सियस डिग्री ते 0 डिग्री सेल्सियस है जिहड़ा अपना फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा, बट जेकर आपां गल करिए फारनहाइट च तां अपना 32 है जिहड़ा आंसर रहेगा. 32 डिग्री फारनहाइट है जिहड़ा अपना फ्रीजिंग पॉइंट रहिंदा है इन फारनहाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड. हाँ जी, बुलंद दरवाजा कित्थे स्थित है?
मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी या लखनऊ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये जो कुछ जगह जो अपने हिस्टोरिकल प्लेसिस है उन्होंने बारे क्वेश्चन बन जाता है पेपर च, ये चीज़ा भी तुम्हें पढ़ के जानिया जरूरी है। वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? बुलंद दरवाजा कितने स्थित है? मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी या लखनऊ? तो ऑप्शन सी अपना तो सही है, फतेहपुर सिकरी है जो अपना बुलंद दरवाजा लोकेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट? हाँ जी, ये अपना अज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कह रहा है कि चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट, सब तो ज़्यादा बढ़िया या चीप सस्ता वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कि है, ट्रांसपोर्ट का तरीका कि आवाजाई का साधन कि है जो इंटरनेशनल मार्केट के यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर से गुड्स न ट्रांसपोर्ट करे? वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या फिर रोड ट्रांसपोर्ट? हाँ जी, चीपेस्ट ते कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय पद्धर से गुड्स न समान तो भेजन वास्ते चीपेस्ट ते मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट का तरीका किड़ा हो सकता है? तो ऑप्शन ए है जी आपने बिल्कुल सही है, वाटर ट्रांसपोर्ट है जरा बिल्कुल चीपेस्ट ते मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपने को ऑप्शन। हाँ जी, इस आपने अज के 15 क्वेश्चन, आई होप तुम्हें क्वेश्चन बहुत वधिया लगे होंगे, क्लास भी वधिया लगी होगी, इंजॉय भी की क्लास में, तो जिन्होंने क्लास वधिया लगी प्लीज़ लाइक शेयर ना भूलना करना, तो अपने चैनल में भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, फिर कल की क्लास, उद तक टेक केयर, बाय।